चलो देखो बेटा, अगर तुम्हें कहीं से पता चल जाए कि तुमने जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था वो पानी में जाकर के डिसोसिएट हो गया और अब वो 20 मॉलिक्यूल्स बन गया, तुमने डाले 10, बन कितने गए 20, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे आई की वैल्यू, है ना। पानी में डालने के बाद कितने बन गए 20, पहले कितने थे 10, तो 20/10 यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। तो तुम्हें आई की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन अब इस आई की वैल्यू का यूज कहाँ करोगे, अपनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो तुमने मेजर की है, जो कैलकुलेट की है, उसे करेक्ट कैसे करोगे। तो ध्यान दो बेटा, करेक्ट कैसे करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई कर देते हैं आई का, ठीक है। हर फॉर्मूले में जितने भी फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें आई का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी वैल्यूज को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो तो हमारा नया फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, कुछ नहीं किया बस उसमें जेटा भी ने आई का मल्टीप्लाई कर दिया। अब आई की वैल्यू NaCl के केस में 2 है, वो निकाल लेंगे और क्वेश्चन में गिवन भी रहेगा, अगर तो नहीं गिवन रहेगा तो इतने सारे आई के फॉर्मूले पढ़े उनसे निकल जाएगा, उसको हम अपनी कैलकुलेटर वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मेरी करेक्ट ऑब्जर्व वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था बेटा, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। चलो बताओ अंशुमान सिंह, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई, नहीं आता बताओ भाई। चलो श्रेयांश बताओ बेटा। Pb=2, Tb − T₀, ठीक, वेरी गुड। अब ये फॉर्मूला पढ़ा था और लाइक लास्ट फॉर्मूला बेटा पढ़ा था इसमें Kb × m, स्मॉल मोलैलिटी, है ना। बेटा अंशुमान तुमने रिवाइज क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं आता, नहीं सब लोग ये आंसर दोगे तो कैसे काम चलेगा, चैप्टर रिवाइज करते चलो ना साथ में, ठीक है। तो हम लोगों ने जो बेटा मेन जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था Δ Tb = Kb, वेयर Kb इज इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोरल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। Kb × m, स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, ठीक है। ये फॉर्मूला फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अगर इसमें बेटा ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ से निकलेगी, आई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से मेरी बिल्कुल करेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकल आती है, समझ में आया। केवल किया क्या, आई का। अब जितने भी फॉर्मूले तुम लोग को लर्न करने हैं वो आई के साथ लर्न करने, ठीक है। ऐसे समझो कि जो मॉलिक्यूल, जैसे ग्लूकोज दे दिया जाएगा, यूरिया या सुक्रोज या केन शुगर कुछ भी ऐसा दे दिया जाए तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है। मान लो ग्लूकोज दिया गया, सोल्यूशन किसका दिया गया, ग्लूकोज का, ठीक है। तो ग्लूकोज के तुमने अगर 10 मॉलिक्यूल डाले हैं ना, तो वो आफ्टर सॉल्वेशन बेटा डिसॉल्व करने के बाद भी 10 ही रहते हैं, ठीक है। ग्लूकोज वगैरह टूटता नहीं है पानी में जाके, 10 डाले तो 10 ही रहेगा, या एसोसिएट भी नहीं होता, ठीक है। तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन मोल्स बिफोर डिसोसिएशन इक्वल है, तो आंसर कितना आया 1, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े थे वो हम लोगों ने ऐसे ग्लूकोज शुगर केन यूरिया इन सब के लिए पढ़े थे, तो वहाँ आई की वैल्यू 1 होती थी, तो यहाँ मेंशन ही नहीं किया था, ठीक है। लेकिन तुम लोग को लर्न कैसे करना है बेटा, आई की वैल्यू ले करके इलेक्ट्रोलाइट मान करके करना है, ठीक है। और अब जब भी सोल्यूशन तुम लोग देखोगे तो उसमें ये चीज देखना कि तुम्हारा सॉल्यूट कैसा दिया है, ठीक है। चलो देखो भाई, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था बेटा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। चलो नेक्स्ट, काव्या, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वेरी गुड, ΔTf यह डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट, के है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एम है स्मॉल एम बेटा मोलैलिटी,
ठीक है, यहाँ पे भी अगर हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करना है तो आई से मल्टीप्लाई करेंगे, बस हो गया फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो बताओ भाई किशन, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर्मूला बता जल्दी से। चलो देखो मैं, ठीक है बेटा, फाइव इक्वल्स टू एम आर टी है ना, वेयर कैपिटल एम इज मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान दो, पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, एम है बेटा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आर है सॉल्यूशन कांस्टेंट, कहीं पर आर की जगह एस देखो अगर ना, कैपिटल एस, तो कंफ्यूज मत होना, एस भी सॉल्यूशन कांस्टेंट ही है। ठीक है, टी है टेम्परेचर। ठीक है, अगर कैपिटल एम की जगह अगर कहीं सी लिखा हो तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सी भी कंसंट्रेशन को डिनोट करता है और मोलैरिटी भी कंसंट्रेशन को ही डिनोट करता है। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिलता है हमें, पाई इक्वल्स टू एम आर टी, इसमें हम क्या कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई। ठीक है, चारों फॉर्मूले नोट करो और यहाँ से चैप्टर फिनिश, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, फोन में नोट कर लो, अब इसके क्वेश्चन लगाने हैं ढेर सारे। डिसोल्यूशन कैसा प्रोसेस होता है, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? डिसोल्यूशन क्या बेटा, आवाज हेलो हेलो कह रहे हैं, सॉरी। हाँ हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड में, सॉलिड की चलो बताते हैं। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी से, पहले नोट करो।
डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई दे के रखा है इसके लिए 2.47, ठीक है, डिजॉल्व इन टू पॉइंट फाइव लीटर ऑफ वॉटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इसको ट्राई करो सब लोग। ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2। आई देके रखा है बेटा 2.47, डिसॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.7 एटीएम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सबसे पहले गिवन लिखा करो, क्या क्या चीजें गिवन है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाया करो। डेटा चेक करना पड़ेगा।
कुछ रॉन्ग है, सबका जीरो पॉइंट जीरो 1 2 3 आ रहा था अभी। देखो भाई चलो देखो बेटा आंसर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवेन ना, क्या क्या चीज गिवेन है, द अमाउंट निकालना है बेटा, अमाउंट ऑफ CaCl2, ठीक है, अमाउंट निकालना है, मोल्स नहीं निकालना। सबसे पहले ध्यान दो ये चीज, मोल्स नहीं निकालना है यहाँ पर, अमाउंट निकालना है ना। सही, 3.42 ग्राम तने, सही है बेटा। आई गिवन है, आई कितना दे के रखा है, 4 2.47, ठीक है, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का कितना बेटा, 2.5 लीटर, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, मतलब पाई की वैल्यू दे के रखी है 0.75 atm, और टेम्परेचर कितना दे के रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन, केल्विन में इसको चेंज करेंगे तो 273 + 27 कितना आ गया, 300 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर दे के रखा है। हाँ प्रॉक्स में तो कैसे, तुम्हारा भी सही है, ठीक है, 3.42, 3.42 सही आंसर है। देखो भाई अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, पाई इक्वल्स टू mRT into I, ठीक है, यही पढ़ा ना, mRT into I, वेयर m इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लिख सकते हैं m की जगह को स्मॉल n अपॉन v ना, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ सारी वैल्यूज हैं, केवल n की वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू नहीं है, और अगर हमें अमाउंट ऑफ CaCl2 निकालना है तो मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास हमेशा हर उसका पता ही रहता है, CaCl2 का मोलर मास निकाल लो भाई। हाँ यहाँ पर निकाल लूँ मैं, CaCl2 का मोलर मास निकालो बेटा, Ca का होता है 40 कैल्शियम, हाँ 1 1 1, ठीक है, याद कर लो एक आधी चीजों का, नहीं तो याद निकाल लो, ठीक है। क्लोरीन का 35.5 × 2, ठीक है, कैलकुलेट कर लो बेटा, 1 1 1 आएगा, ठीक है। चलो अब एन को एक साइड करो और सारी वैल्यूज को इधर भेजो, पाई इंटू वी अपॉन RT into I, ठीक है, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पाई की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 0.75, 0.75 × v कितना दे के रखा है बेटा, 2.5 लीटर, मैंने इसलिए से कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें मोलैरिटी में लीटर में ही चाहिए होता है, ठीक है। फिर R, R की वैल्यू होती है 0.0821, T टेम्परेचर कितना दे के रखा है, 300 केल्विन, इंटू I की वैल्यू दे के रखी है बेटा 2.47, है ना, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लेंगे बेटा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 0.03, अप्रोक्सिमेट 0.03 मोल्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ से तुम्हारे पास आ गया क्या, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया कितना, 0.03 मोल्स, ठीक है बेटा। तुम्हें निकालना क्या है, अमाउंट, मतलब तुम्हें निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं भाई, एक फॉर्मूला यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ठीक है, वेट निकालना है तो मोलर वेट को इधर भेज दो, क्या फॉर्मूला आ गया, वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन इंटू मोलर वेट, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल्स टू एन कितना निकला बेटा मेरा, अप्रॉक्स में ज्यादा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 0.03 इंटू मोलर वेट कितना आया, 1 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। प्रेशर कन्वर्जन, अच्छा ठीक, हाँ, ठीक है, ठीक है बेटा, कर लो इसको जल्दी से, जिसका नहीं हुआ था, समझ में आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा था मोल्स बेटा, 0.0
308। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे 0.0308, ठीक है। इतना आगे तक वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, दो पॉइंट के बाद दो तीन डिजिट तक निकालूँ काफी है, ठीक है। सो जल्दी से करो नोट।